जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। ट्रांजिस्टर में तीन लेयर्स होते हैं इनफैक्ट, इसलिए जो भी रिप्रेजेंट किया भी जाता है तो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर से, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, तो जी सर नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होती है कि एक लेयर एन होगा, दूसरा पी होगा, तीसरा फिर एन होगा। मतलब बेचारा पी जो है इसमें सैंडविच की तरह होता है, जैसे बर्गर में बीच में जो भी मटेरियल होता है उसी तरह से पी एन पी होता है, इसमें एन बेचारा सैंडविच बन जाता है तो बीच में। जी सर और इसमें आप सिंपल से कह सकते हो ऐसा जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसमें टू पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड। ये यहाँ पे हमारे पास दिस वन इज फॉर्म एफ ओ आर एम ई डी, तो फॉर्म बाय ग्रोइंग थिन लेयर्स ऑफ आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स इन बिटवीन टू रिलेटिवली थिक लेयर्स ऑफ अपोजिट टाइप्स। तो जैसा बनता है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्लियर सा दिया हुआ है कि ये जो बन रहा है अपने आप में, इसमें एक लेयर जो है वो आपका एन है, इसको आप, मैं एन लिख रहा हूँ यहाँ पे एन, दूसरा पी है इसको मैं पी से लिख दिया, और तीसरा फिर से एन है। तो एन पी एन, एन पी एन ट्रांजिस्टर ये बन रहा है, और इसमें आपका जो है इसको ये जो ई से दिख रहा है एन वाला जो है लास्ट वाला वो ज्यादा बड़ा रहेगा बाकी दोनों से। कलेक्टर जो है ना, कलेक्टर बड़ा होता है, और इसको इस तरफ वाले को एमीटर, इस तरफ वाले को बेस, बीच वाला जो है जब भी होता है वो बेस होता है, और चलिए वो वाले होते हैं कि जिनसे तीन डंडियां निकली रहती हैं। हाँ, तीन लाइंस निकली रहती है उसको हम अच्छा। तो इसी तरह से याद आ गया। ये ऊपर में ये वाला जो ऊपर वाला जो इसको दिखाया है ये बेस है आपका, ये बेस है, ठीक है, ठीक है सर। ये एमीटर है, बीच वाला बेस है, और ये कलेक्टर है, इस तरह से इसमें बना हुआ मिलेगा। यस सर। इसमें भी जैसे ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन इसमें भी एमीटर होता है, ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में जो मैं दिखा रहा हूँ ये भी एमीटर होता है, ये बीच वाला जो है ये बेस होता है यहाँ पे, तो इसको बी से आप दिखाओगे, और इधर वाला लास्ट वाला जो बड़ा सा सेफ का एरिया का दिख रहा है ये कलेक्टर होता है, इसको सी से आप दिखाओगे, सेम टाइप में है ना। ये देखिए बेस यहाँ पे तो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, बेस में फर्क दिख रहा है कि बेस इज मच थिनर, क्योंकि बेस दोनों ही केस में बेस, यहाँ पे पी देखिए यहाँ पे एन देखिए, बेस बहुत थिन है। बेस के रिस्पेक्ट में एमीटर ज्यादा वाइडर है, और इस दोनों के रिस्पेक्ट मतलब हर हाल में हमारा कलेक्टर जो है, ये जो इस तरफ एन है और इस तरफ जो हमारा पी है, कलेक्टर हमारा सबसे ज्यादा वाइडर है। तो लिखेंगे एमीटर के बारे में, नंबर वन में लिखेंगे एमीटर इज हैवली डोप्ड, एमीटर इज हैवली डोप्ड एंड बेस इज lightly doped. ठीक है सर। However, collector is moderately doped. In transistor, the emitter base junction is forward bias. एमीटर और बेस का जो जंक्शन होगा हमेशा फॉरवर्ड बायस मिलेगा आपको। एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन ये हमेशा रिवर्स बायस मिलेगा। पहला वाला तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए है, और देखो यहाँ पे जैसे मैंने बात की थी आपको, यहाँ पे पी और एन मतलब एमीटर और बेस ये फॉरवर्ड बायस में है, और कलेक्टर और बेस ये रिवर्स बायस में है, जैसा मैंने बताया था वही है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखो आप, इसमें भी वही चीज है कि इसका एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस में होगा हमेशा, और कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस में होंगे। इसमें वर्किंग में आपको सबसे पहले चीज देखना है, देखो कहाँ से करंट किधर से किधर की तरफ मूव कर रहा है ये देख लेते हैं, उससे हमें डिसाइड करने में आसान हो जाएगा। तो ये एमीटर है हमारा,
और एमीटर में आप देखो, एमीटर को आपने बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। एमीटर जो है जी पॉजिटिव है, पी है इसमें, ठीक सर, है, इसमें पी है, तो ये एमीटर, इसका मतलब पी है, तो एमीटर पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव हुआ तो बैटरी जी से जो करंट जा रहा है, बैटरी से जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा, और इधर से ऐसा। अब ये जो सर, बैटरी का पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जितना भी पॉजिटिव है, इस सारे पॉजिटिव को ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड जा बायस रहा है है। ना। हाँ, फॉरवर्ड बायस है, लेकिन फॉरवर्ड बायस तो सिर्फ एमिटर और बेस है ना यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है कि ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर रहा है, उसको इस तरफ मूव करा रहा है, इस तरफ भेज रहा है। सर तो ये रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यहाँ पे क्या है, एन है बना हुआ, है ना। तो सर एन में क्या होता है, यहाँ पे एन जो है आपका, ये एन, आप एक चीज समझ लो यहाँ पे, इसके वर्किंग में ये समझना पड़ेगा आपको कि ये आपका जो है, कहने की बात है कि ये पी जो है आपका, पी में मान लो कि 100% होल्स हैं। ध्यान देना आप मेरी बात पे, सर पी में 100% होल्स हैं, ठीक है। और एन में जो है, एन में आपका 5% इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एन में मैंने बोला कि एन में क्या है हमारा, एन में हमारा 5% इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ। तो आप सोचो कि जब इधर से होल्स आ रहा है और यहाँ पे मतलब 100 होल्स हैं, 100 होल्स हैं, और 5 सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन को ये मिलके डिफ्यूज कर देगा। यस तो इसका मतलब बचा हुआ 95 जो है ना, बचा हुआ 95 सर जो है, वो 95 किधर से निकलेगा, तो 95 बचा हुआ कलेक्टर आईसी से और आईबी से बाहर आएगा। 95 सर बचा हुआ, जो 95 क्या है, 95 हमारा, तो हमारा 95 तो भाई मेरे ये होल्स है ना, यस तो सर 95 होल्स का जो पार्ट है वो किधर से, इधर से और इधर से बाहर आएगा। होल्स क्या होते सर हैं, 5 इधर से आएगा, 95 उधर से आ जाएगा। 5 तो बीच में हाँ जी, तो उसमें है ना। जैसे आपने आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी लिखा है। हाँ, वो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं यहां पे जो देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सर मैं ये कह रहा हूं कि 100 इलेक्ट्रॉन, 100 होल्स गया, 100 में से 5 होल्स, 5 इलेक्ट्रॉन को इसने डिफ्यूज कर दिया, तो 95 हमारे पास होल बच गए। 95 होल्स मतलब 95 हमारे पास पॉजिटिव आयन्स हैं, सर पॉजिटिव वाला 95 कुछ पार्ट आईसी से मतलब कलेक्टर करंट से, और कुछ पार्ट हमारा बेस से आईबी से निकलेगा बाहर। सर तो अब मैं यहां पे जो देख रहा हूं, जहां तक हम लोगों ने जंक्शन रूल की स्टडी किया था हमने, तो जंक्शन रूल में हमने क्या देखा था, जंक्शन रूल में हमने यही देखा था कि भाई जो, जैसे मान लो कि जंक्शन रूल में इधर से जो करंट आप सप्लाई कर रहे हो, अगर ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो आप क्या कहते थे, सर जैसे एंट्री यहां से कितना जो करंट इंटर हो रहा है वो क्या है, आईई है ना। तो सर यहां पे इसका मतलब हमने क्या लिया, ये आईई होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो सर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपका आईई है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये लो, मैं बोल रहा हूँ कि आई ई है ये, तो आई ई दो पार्ट में बट रहा है, नीचे की तरफ देख रहे हो आप, आई बी में जा रहा है, यहां से ये आई बी में जा रहा है ना, यस और सर यहां से किधर जा रहा है, आई सी में करंट, कलेक्टर करंट में जा रहा है, ये आई सी में जा रहा है। तो इसका मतलब जंक्शन रूल को सर ये फॉलो कर रहा है ना, आई ई किसके इक्वल है, यस सर आई सी प्लस आई आई बी के सी इक्वल और है, आई बी के। हाँ तो इसी को तो मैंने यहां पे दिखाया था, जी सर ठीक है। तो यही सेम चीज होता है इसके साथ कि एनपी, ये जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें फॉरवर्ड बायस है विद एमिटर बेस जंक्शन, जो कि यहां पे दिखाया हुआ है, एमिटर बेस जंक्शन के साथ फॉरवर्ड बायस है, एंड रिवर्स बायस टू कलेक्टर बेस जंक्शन, द फॉरवर्ड बायस कॉज टू द इलेक्ट्रॉन इन
जो होता है एंड एंड टाइप, अगर एनपीएन में देखेंगे तो एंड टाइप, यहाँ पे होल्स है, पी में क्या है, होल्स है। तो होल्स जो है, जिसके बारे में मैंने बताया कि पी टाइप एमीटर फ्लो फॉरवर्ड द बेस, है ना। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि 5% जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये डिफ्यूज करता है, रेस्ट 95% जो है वो मूव कर जाता है आई और आई बी के टूवर्ड्स, जिसके कारण हमारे पास ये जंक्शन रूल से आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हमें देखने को मिलता है। और यही हमारा वर्किंग होता है किसका, एनपीएन पी का। एन पी पी एन पी का, पी एन पी की बात कर रहे थे हम लोग, पी का ये अच्छा, वर्किंग ठीक उसी तरह से हमारा ठीक है एनपीएन सर। का भी वर्किंग होगा। तो इसके बाद आप लिखोगे वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, 95 नेगेटिव पार्टिकल्स वापस एमिटर की तरफ जाते हैं, ऐसे ही ना। बिल्कुल आपने सही बोला। देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आई इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन यहाँ अपोजिट हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन आई दूसरी तरफ है। तो इसका मतलब है कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा होगा। अब इस समय क्या है, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी की तरफ मूव कर रहे होंगे, यस सारे इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ मूव कर रहे होंगे। और इसमें से जो मैक्सिमम, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ 5% जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, होल है, उसको ये डिफ्यूज कर देगा, तो 95% जो है वो 95% इधर से निकल जाएगा वापस। तो वैसे कलेक्टर से कैसे निकलेगा, एमिटर से नहीं निकलना चाहिए। हाँ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के जी अपोजिट में करंट जाएगा, ठीक है, तो और प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन साथ में, ठीक है इलेक्ट्रॉन ठीक है। इधर से निकल रहा है 95% इधर से, और इधर से भी निकल रहा है, दोनों तरफ से मिलके 95% कंप्लीट कर रहा है। तो यस सर, इलेक्ट्रॉन की जो जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन इधर है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन इधर है, और इसमें भी करंट की डायरेक्शन इधर है। तो इसमें भी देखो ये दोनों करंट की डायरेक्शन, मतलब आईसी और आईबी, ये दोनों मिलके आईई के इक्वल आ रहा है। स्टार्ट करेंगे लिखना एनपीएन के लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर विद फॉरवर्ड बायस टू टू एमिटर बेस जंक्शन एंड रिवर्स बायस टू कलेक्टर बेस जंक्शन, द यस सर। फॉरवर्ड बायस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एमीटर टू फ्लो टुवर्ड्स द बेस, दिस कंस्टिट्यूट द एमीटर करेंट आईई। आईई जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे डायग्राम में, ये करंट बनाता है आईई। उसके बाद एस इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू पी टाइप बेस, दे टेंड्स टू कंबाइन विद होल्स, एज वी नो द बेस इज लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, देयर फोर ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिख देंगे लेस देन 5%, कंबाइन्स विद होल्स टू कंस्टिट्यूट बेस करेंट, द रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 95%, ब्रैकेट में 95% दे देंगे, क्रॉस ओवर इन टू द कलेक्टर रीजन टू कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करेंट। आईसी से रिप्रेजेंट करेंगे कलेक्टर करेंट को। फ्रॉम योर डायग्राम इट इज क्लियर दैट द सम ऑफ कलेक्टर एंड द बेस करेंट इज इक्वल टू द एमिटर करेंट। एक सेकेंड सर। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन यस सर फ्रॉम द एमिटर इंटर्स द बेस रीजन, दे फाइंड अ फ्यू नंबर ऑफ होल्स, ब्रैकेट में लिखो बेस इज लाइटली डोप्ड एंड थिन, ये तो पता ही है आपको, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, दीज स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनिंग विद होल्स इन द बेस बिकम बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो आउट ऑफ द बेस टू कंस्टिट्यूट बेस करेंट। यहाँ पे जो पहला वाला डायग्राम है हमारा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस, यहाँ पे जो ये फॉरवर्ड बायस का है,
इसमें जो बैटरी लगी हुई है उसको एमीटर बेस से VEB से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि कलेक्टर की तरफ बेस कलेक्टर और बेस की तरफ जो बैटरी लगी हुई है उसको VCB से रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों ही तरफ सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी VEB और दूसरे तरफ VCB से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका जो सिंबल है ट्रांजिस्टर का, NPN ट्रांजिस्टर का, इसमें एक खास बात यह है कि ये जो आप एरो देख रहे हो, ये एरो इसमें बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको, और इसमें ये एरो अंदर की तरफ, क्योंकि इसमें करंट जो है, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है और इसमें करंट इससे बाहर की तरफ निकल रहा है। यही रीजन है कि इसमें एरो का मार्क कुछ इस तरह से किया गया है। उसी तरह से बेस वाले में देखो, जो NPN है उसमें करंट की डायरेक्शन बेस वाले में इस तरफ है, तो उसी तरह से दूसरे वाले में भी डायरेक्शन इसमें इस तरफ है, जबकि इसमें देखो बेस से करंट बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन बेस में बाहर की तरफ है। हालांकि यहाँ पे एरो मार्क देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, मैं समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। उसी तरह से नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा कलेक्टर के लिए, तो कलेक्टर में भी देखो इसमें करंट इंटर करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे इंटर करता हुआ, और दूसरी तरफ इसमें PNP में कलेक्टर से करंट बाहर आता हुआ, तो इसमें एरो मार्क इस तरफ। तो ये सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं हम लोग। ये NPN का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जबकि दूसरा PNP का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसको अपनी कन्वीनियंट के बेसिस पे हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा आता है कॉमन बेस कनेक्शन। आप वहां पे लिख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा आता है, ठीक है, वो है हमारा कॉमन बेस। आप वहां पे लिख दो कॉमन बेस कनेक्शन। सर तो शॉर्ट में मैं चाहूँ यहाँ पे तो CBB भी लिख दें तो काम चल जाएगा हमारा। आप पूरा वहां पे लिख दो कॉमन बेस कनेक्शन। और उसी तरह से दूसरा पार्ट जो हमारा आता है वो है हमारा कॉमन एमिटर कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में CEM लिख इसका रहा कॉमन हूँ। बेस कनेक्शन का कुछ थ्योरी या नोट्स हैं क्या जो आप डिक्टेट करेंगे? हाँ, मैं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में ही बताऊंगा। नहीं सर, तो एक साथ ही बता दीजिए, तो मैंने एक्चुअली हेडिंग टाइप में डाल दिया इस वजह से। अच्छा नहीं, इसके डायग्राम के साथ देखना पड़ेगा ना, इसलिए ठीक है सर। डायग्राम भी इसका इसके साथ हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और सर तीसरा जो है हमारा वो है हमारा कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, CC, इसको हम CC से लिखते हैं, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। तीन तरह के कनेक्शन की बात हम यहाँ पे करेंगे, डायग्राम के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर सी बात मैं कह दूं, देखिए कॉमन बेस कहने का मतलब बेस को वहां पे क्या किया गया है, अर्थिंग किया गया है, बेस को अर्थेट किया गया है। उसी तरह से कॉमन एमिटर मतलब एमिटर के पार्ट को अर्थेट किया गया है, कॉमन कलेक्टर मतलब कलेक्टर के पार्ट को अर्थेट किया गया है। तो पहला वाला जो है NPN, और दूसरा वाला जो आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, दूसरा वाला जो है ये PNP ट्रांजिस्टर का है। तो NPN में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन, इनपुट जो है किसके किसके बीच अप्लाई किया हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे एमीटर है यहाँ पे और ये बेस है, तो एमीटर और बेस के बीच इनपुट दिया गया है, ये सिग्नल जो है ये इनपुट का है। और आउटपुट आपको कहाँ पे लेना है, तो ये आउटपुट है यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको कलेक्टर और बेस के बीच आउटपुट मिलेगा। तो ये फिर दोनों बैटरी का क्या काम है वहां पे, फिर अगर इनपुट हम लोग सिग्नल के फॉर्म में ले रहे हैं? नहीं समझा मैं। जैसे बैटरी लगी पड़ी है ना, एक VEE लगी, एक VCB लगी है, तो हाँ, अगर सिग्नल से आउटपुट आ रहे तो VEE और VCB का क्या रोल रहा? ये इसका भी रोल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप जब तक सर्किट, जैसे मैंने क्या बोला कि इधर का आपका फॉरवर्ड बायस होता है लेफ्ट साइड, और इधर रिवर्स बायस होता है, तो आप बैटरी नहीं लगाओगे तो रिवर्स यस बायस कैसे काम करेगा, है ना। यस तो इनपुट हमारा लेफ्ट साइड से जिसमें एमिटर और बेस कनेक्ट होता है, और आउटपुट हमारा राइट साइड से जिसमें कलेक्टर और बेस कनेक्ट होता है। यही सेम चीज हमारे पास दूसरे वाले डायग्राम में भी है। देखो इनपुट हमारा लेफ्ट साइड से आई और बी कनेक्ट है, और आउटपुट हमारा राइट साइड से जिसमें आईसी और आईबी कनेक्ट है, मतलब बेस करंट कनेक्ट है, ठीक है। तो
तो दोनों के लिए स्टेटमेंट आप इसी तरह से लिखोगे यहाँ पे। और ये कॉमन बेस है, कॉमन बेस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस ये कॉमन है इसके लिए। दूसरे डायग्राम में भी देखो आप, इसमें भी ये देखो बेस कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉमन बेस। में इसकी अर्थिंग की हुई होती है, बेस की अर्थिंग की हुई होती है, इसलिए कॉमन बेस बोला जाता है इसको। ग्राफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन का है, और इसमें कर्व किसके किसके बीच का कनेक्ट कर्व है, तो आप देख सकते हो ये एमिटर करंट और एमिटर बेस करंट है ना। तो आप इसलिए बोला जाता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज अ कर्व बिटवीन एमिटर करंट एंड द एमिटर बेस वोल्टेज। ठीक है, ये एमिटर बेस वोल्टेज है, वोल्टेज एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस करंट। तो ये एट कांस्टेंट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टर बेस करंट, मतलब कलेक्टर बेस करंट को हमने यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया। उसमें हमने, हमारे पास जो एपरेटस होती है, उस एपरेटस में उसकी एक वैल्यू, कलेक्टर बेस करंट की वैल्यू को हम वहां पे कांस्टेंट ले लेते हैं, और कांस्टेंट मतलब फिक्स कर दिया हमने कि 10 वोल्ट है या 0 वोल्ट है, जो भी हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद नीचे के वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज कराते हैं, जो एमिटर बेस वोल्टेज है इसके वोल्टेज को हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज कराते हैं। उस बेसिस पे हमें एमिटर का करंट जो है वो भी इंक्रीज होता हुआ हमें मिलता है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए मैं पहले भी बोलूंगा यहाँ पे, अगर आप लिखोगे वहां पे लिखोगे कीपिंग VCB, ये VCB कांस्टेंट, द एमिटर करंट IE यस सर। इज नोटेड फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ वेरियस वैल्यू ऑफ बेस एमीटर वोल्टेज। ये जो हमारा एक्स एक्सिस में बेस एमीटर वोल्टेज है, द रीडिंग आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ टेकिंग VEB अलोंग एक्स एक्सिस एंड IE अलोंग वाई एक्सिस। दिस गिव्स द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर VCB। दिस VCB इज इक्वल टू 0 वोल्ट, जैसा कि पहला केस में हमने 0 वोल्ट दिया है, पहला ग्राफ दिखा रहा है। दूसरे केस में आप 10 वोल्ट लो तो उसका अलग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास देखने को मिल रहा है, और इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे हम नोट भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप वहां पे नोट करोगे, पॉइंट नंबर 1, द एमिटर करंट IE इंक्रीजेज रैपिडली विद द स्मॉल इंक्रीज इन एमिटर बेस वोल्टेज। हल्का सा भी अगर आप एमिटर बेस वोल्टेज बढ़ाते हो तो वहां पे एमिटर करंट रैपिडली इंक्रीज करता हुआ ग्राफ में हमें दिख रहा है। जी सर। इट मींस इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, यस सर। और सेकेंड पॉइंट हमारे लिए है यहां पे, द एमिटर करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ VCB, मतलब कलेक्टर बेस करंट, क्योंकि कलेक्टर बेस करंट को हमने यहां पे कांस्टेंट ले लिया है, तो इससे ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। पूछा जाता है हमारे से इनपुट रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला आप देना चाहोगे, तो बहुत आसान है, इनपुट रेजिस्टेंस को RI से लिख दो रिप्रेजेंट करने के लिए। RI इज द इनपुट रेजिस्टेंस, और इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला देना है तो जैसे R इक्वल टू V बाय
वी बाई ई होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज ई बी के फॉर्म में है, तो वी ई बी अपॉन आई ई, तो यहाँ पे आई ई मैं लिख रहा हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ये सब में डेल्टा लगाना पड़ेगा। डेल्टा क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम के लिए, मान लो यहाँ से इस टाइम के लिए मुझे देखना है कि इस टाइम पे 2 से 2.5 के बीच आपको देखना, देख के बताना पड़े कि क्या सिचुएशन रहा होगा, तो उस समय दोनों की वेरिएशन आपको देखनी पड़ेगी। मतलब ये डेल्टा, इस बीच में वोल्टेज क्या रही होगी वो देखनी पड़ेगी, उस बीच में करंट की क्या चेंज इन करंट क्या रहा होगा वो दोनों आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए इस दोनों को देखते हुए यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। तो इसलिए R इक्वल टू डेल्टा V E B अपॉन डेल्टा I E, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। यस मैंने बोला सर। था ग्राफ में हमारा ग्राफ किसके किसके बीच है, तो ग्राफ हमारा अभी बस उसी I C, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आई सी दिया हुआ है, आई सी और वी सी बी के बीच का है। लेकिन आपने कांस्टेंट हर बार किसको लिया है, आई ई को, एमीटर करंट को। क्या एक बार आपने एमीटर करंट 0 मिली एम्पियर लिया, एक बार 1 मिली एम्पियर लिया, एक बार 2 मिली एम्पियर लिया, एक बार 3, इस तरह से 5 तक आपने लिया है, तो हमेशा आपने मिली एम्पियर करंट को आपने कॉन्स्टेंट लिया है। यहाँ पे आप मेंशन करना चाहो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो आप लिख सकते हो आई ई कॉन्स्टेंट द कलेक्टर करंट, उसके बाद कॉमा देके लिखोगे द कलेक्टर करंट आई सी नोटेड फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ कलेक्टर बेस करंट। स्टेटमेंट को और अच्छा करने के लिए वहां पे लिखोगे कि वी सी बी इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड आई सी इज अलोंग वाई एक्सिस, है ना। दिस गिव द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप आई 0 मिली एम्पियर ले रहे हो जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है, तो आप इसमें रिप्रेजेंट कर देना कि भाई आई आप एक बार 0 ले रहे हो, एक बार 1 ले रहे हो, एक बार 2 ले रहे हो, एक बार 3, इस तरह से आप इसकी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें ठीक है दो सर। पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट्स आप लिखोगे यस सर। कि ये जो वैल्यू है ना कलेक्टर करंट की, जो यस वीसीबी सर। के साथ वैरी कर रही है, वो यस सर। हमेशा लो वोल्टेज पे होगी, लेस देन 1 वोल्टेज। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 वोल्टेज पे होती है। वीसीबी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 वोल्टेज पे ही होगी। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ वीसीबी इज रेज्ड अबव 1 to 2 वोल्ट। When the value of VCB is raised रेज्ड अबव 1 to 2 वोल्ट above 1 to 2 volt द कलेक्टर करंट बिकम्स कॉन्स्टेंट। जो कि इंडिकेट करता है एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन को, जैसा कि कर्व में हम लोग देख रहे हैं, इंडिकेट्स बाय स्ट्रेट हॉरिजेंटल कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स आईसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वीसीबी। आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए आर आउटपुट डेल्टा वीसीबी अपॉन डेल्टा आईसी, और एक चीज इसमें कांस्टेंट रखनी होगी, क्या वो तो क्लियर दिख रहा है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई ई इसमें कांस्टेंट रह जाएगा। सर आर क्या है, आर ओ क्या है? आर आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस।